ये आज हम बनाने जा रहे हैं चापे। इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन थोड़ा सा, और हम डालेंगे इसके अंदर आधी चमची कुटी हुई काली मिर्च। ये देखिए आधी चमची लाल मिर्च। इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डालते, थोड़े ही मसाले डालते हैं। और ये थोड़ा सा नमक, ये आधा किलो गोश्त है। मसाले को हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही लगा के। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। फिर 1.5 घंटे के बाद हम इसको पतीली के अंदर थोड़ा सा भाप में गला लेंगे। हमारी चापों को रखे हुए 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम इसको धीमी आंच पर पका लेंगे। बगैर तेल डाले हुए हमने 20 मिनट के लिए इसको दम पर रख दिया है। ये हमारी चापें हो चुकी हैं। देखें इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये गल चुकी हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब हम इसको तवे पर फ्राई करेंगे। देखिए हमारी तवा चाप अब तैयार हो चुकी है, बहुत ही लजीज और जूसी बनी है। आप भी बनाएं अपने घर में और दूसरों को भी खिलाएं हमारे तरीके से बनाएं। इसमें बिल्कुल लाइट मसाले पड़ते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बहुत जायकेदार होती हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।